आज हम देखेंगे अध्याय दो, ठीक है। दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब देख लीजिए चर क्या होता है, ठीक है। चर क्या होता है, चर राशि जैसे आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो चर राशि को हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और है एक्स वाई जेड के रूप में रहता है, वो क्या होता है आपका चर राशि। और देख लीजिए रैखिक समीकरण बोला गया है, ठीक है। दो चरों का रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कहने का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा समीकरण जिसमें क्या है, चर राशि का घात क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन दैट मीन्स लीनियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दो चरों का रैखिक समीकरण कहने का मतलब क्या है, मान लो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये कोई इक्वेशन है, कोई समीकरण है। तो यहाँ पे चर राशि, दो चरों का रैखिक समीकरण मतलब क्या होना चाहिए, ये जो एक्स वाई जो चर राशि होंगे उसकी डिग्री वन होनी चाहिए, ठीक है, लीनियर होनी चाहिए, वही क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। समझ में आ गया। और वेरिएबल्स मतलब चर। तो ये तो रहा आपका दो चरों का रैखिक समीकरण का मतलब लीनियर रैखिक कैसा होना चाहिए, और एक्स वाई जो चर राशि है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपन लोग दो चरों के रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम कैसे टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैसे समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, हाँ। और बता देती हूँ कि जो आपका शब्द में प्रश्न रहेगा, ठीक है, उसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे उसको समीकरण के रूप में आप दर्शाएंगे, उसका क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सलमा, एग्जाम्पल है, सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से दो अधिक है, ठीक है। कोई दो लड़की है, सलमा और दिया नहीं है, ठीक है, एक ही का नाम दिया है, दूसरा का आप इमेजिन कर लो, रीमा सीमा जो भी है, ठीक है। तो सलमा बोल रही है कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से दो अधिक हैं, ठीक है, दूसरी लड़की को बोल रही है ना कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से दो ज्यादा है, और दोनों के अंकों का योग कितना है, चौदह है, ठीक है। दोनों लड़कियों के अंक का योग कितना है, चौदह है, तो हम दोनों के कितने अंक होंगे बताइए, ठीक है। तो एक लड़की, दो लड़की हैं, ठीक है, वो क्या हो गई, वेरिएबल्स हो गई। दो लड़की हैं, तो एक लड़की बोल रही है जिसका नाम सलमा है, वो दूसरी लड़की को बोल रही है कि मेरे अंक जो हैं वो तुम्हारे से दो ज्यादा हैं, ठीक है, तुम्हारे जो अंक होंगे उनसे दो ज्यादा है, और दोनों के अंकों का योग, और हम दोनों का मिला के अंकों का योग कितना होगा, चौदह है बोल रही है। तब दोनों के अलग अलग अंक, ठीक है, मेरा अंक और तुम्हारा अंक कितना होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलते हैं, मान लेते हैं दूसरी लड़की का नाम सीमा मान लेते हैं, ठीक है, या रीमा मान लो, जो भी है, तो रीमा लेके चलते हैं, मान रहे हैं तो मानेंगे ना, माना कि रीमा का अंक क्या है, एक्स है, ठीक है, माना कि रीमा का अंक कितना है, एक्स है। तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, सलमा बोल रही है कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से दो ज्यादा है, किसको बोल रही है, दो ज्यादा है करके, रीमा को बोल रही है, जो रीमा का अंक होगा वो उससे दो ज्यादा, दुगुना किसका अंक होगा, सलमा का अंक होगा, ठीक है। तब प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लीजिएगा, सलमा बराबर क्या, तुम्हारे अंक से, तुम्हारे मतलब रीमा, रीमा की अंक से दो ज्यादा, ज्यादा मतलब,
ज्यादा या अधिक। ठीक है, तो रीमा का अंक कितना है, माने है यहाँ पे x। ठीक है, तो x हो गया और कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है। ठीक है, हाँ दुगुना बोला गया है, सॉरी दुगुना नहीं, दो अधिक बोला गया है। अधिक में हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं, और कम में क्या करते हैं, घटाते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक बोला गया है तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, बढ़ाते जाए, अधिक मतलब बढ़ते जाएगा, प्लस होते जाएगा, और कम मतलब घटते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीमा का अंक x है और सलमा का अंक कितना बोला गया है, रीमा के अंक से दो ज्यादा, दैट मीन्स x प्लस टू, और सलमा का अंक जो होगा उसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं, माना कि रीमा का अंक x है और सलमा का अंक y, इसके बाद लिखिएगा ना ये। ठीक है, इतना अलग है, इसके बाद माना कि रीमा का अंक x और सलमा का अंक y, तब प्रश्न अनुसार सलमा क्या बोल रही है कि तुम्हारे अंक से मेरे अंक क्या है, दो ज्यादा है। तुम्हारे अंक मतलब रीमा के अंक से दो ज्यादा, दैट मीन्स x प्लस टू, y बराबर क्या मिल गया, x प्लस टू। इसको ले लो पहला समीकरण। ठीक है, अब देखिए, और क्या बोला गया है, दोनों के अंकों का योग कितना है, 14 है, और दोनों के अंकों का योग 14। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के अंकों का योग, दोनों के अंक कितने कितने हैं, x प्लस वाई है कि नहीं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, ये हो गया रीमा के अंक और ये हो गया सलमा के अंक, तो दोनों के अंकों का योग कितना है, 14 है। समीकरण एक से वाई का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक से वाई का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस टू है, तो यहाँ पे रख देंगे x प्लस दो इक्वल टू 14। ठीक, x प्लस टू इक्वल टू 14। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो x और x जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x और प्लस टू इक्वल टू 14। ठीक है, फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2x हो गया, दो प्लस में है तो इधर जाएगा इक्वल की, इस पर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ट्रांसफर होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 14 माइनस दो करेंगे कितना आएगा, 14 में दो घट गया तो 12। ठीक है, तो यहां से मैं बना लू 2x इक्वल टू 14 माइनस दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 14 माइनस दो। ठीक है, तो इसका हो गया 14 में दो घट गया मतलब 12 आ गया। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो दो इधर पक्षांतर होगा, गुणा में है इस साइड में तो राइट साइड में जाके भाग हो जाएगा, तो ये हो गया 12 बटे 2 बराबर 6। तो यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 मिल गया। ठीक है, तो x किसका अंक है, आपका मान किसका माने थे, रीमा का अंक x माने थे, तो रीमा का अंक मिल गया 6 और सलमा का अंक, और y बराबर क्या हो जाएगा, तब y इक्वल टू 2x। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2 इंटू 6 बराबर 12। ठीक है, एक मिनट, x प्लस टू है ना ये, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो y की x की वैल्यू कितनी है, 6 है, और y की वैल्यू निकल जाएगा इस तरीके से, तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। ठीक है,
y बराबर क्या मिल गया हमें, y बराबर 8। तो इस तरीके से रीमा का अंक मिल गया 6 और सलमा का अंक मिल गया 8। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये रीमा का अंक है और ये सलमा का अंक है। हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका थ्योरिटिकल में क्वेश्चन दिया गया था उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लाए और उन दोनों की वैल्यू निकाले, मतलब उन दोनों का अंक बताए। ठीक है, तो इस तरीके से x और y की वैल्यू हमें मिल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, अब चलते हैं प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन पे। जैसे हमने पहला उदाहरण देखे थे, वैसे ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका थ्योरिटिकल रूप में दिया गया है, ठीक है, शब्दों में लिखा गया है, उसको हम अंक के रूप में, गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, वही है। और क्या बोला गया है, समीकरण रूप में। ठीक है, समीकरण बताई हूँ, समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उस रूप में लिखना है इसको। तो क्या दिया है आपका क्वेश्चन, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे, ठीक है, 3900 रुपए में खरीदा। कितने, एक 3 बल्ले और 6 गेंद, ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंदों को कितने में खरीदा, 3900 रुपए में खरीदा। और वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदा। ठीक है, इसका हमें समीकरण के रूप में इसको लिखना है। तो आप देखिए इसमें क्या बोला गया, हाँ ये तो हो गया। अब इसमें बात की गई है बस 2 की, किसकी किसकी, बल्ला और गेंद। तो ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल्स हो गया। तो सॉल्यूशन लेके चलते हैं इसका। मान के चलेंगे, देखो बल्ला को x मान लेते हैं और गेंद को y मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि बल्ला बराबर x व गेंद बराबर y। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार 3 बल्ले व 6 गेंदे कितने में खरीदा, 3900 रुपए में खरीदा। वह मतलब प्लस है ना, 3 बल्ले, बल्ला को क्या लिए हैं, x लिए हैं, तो 3x। ठीक है, प्लस y किसको लिए हैं, गेंद को लिए हैं, और कितना है गेंदों की संख्या, 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6y इक्वल टू कितना में खरीदा, 3900 रुपए में खरीदे। ठीक है, तो ये हो गया इतना। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, ये हो गया आपका पहला समीकरण, ऊपर वाले लाइन का समीकरण। और दूसरे लाइन का देखते हैं, तो वहीं से उन्होंने एक बल्ला व 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदा। ठीक है, वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदे कितने में खरीदे, 1300 रुपए में। तो बल्लों की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1x प्लस गेंदों की संख्या 2y इक्वल टू कितना, 1300। तो ये हो गया आपका समीकरण। यही आपका क्या है, आंसर है। समीकरण रूप में हुआ ना, क्या होता है समीकरण का फॉर्म, x प्लस वाई। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बोला गया, तो बस ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस x की संख्या बता दी गई है और y की संख्या बता दी गई है, टोटल कितने में खरीदे उसको बता दिया गया है। ठीक है, तो यही उस क्वेश्चन का क्या है, यही इस क्वेश्चन का समीकरण रूप है। तो इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, क्या दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग, देखिए बुक देखिए, 2 संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर क्या है, 8 है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 16 और उनका अंतर 8 है। ठीक है, इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो मान लो दोनों संख्या, पहली संख्या x ले लेते हैं और दूसरी संख्या y ले लेते हैं। ठीक है, दोनों संख्या का नामकरण कर दीजिए,
पहले संख्या को क्या ले लिए, x ले लिए और दूसरी को y मान लिए, ठीक है। तब बोला गया है कि दोनों संख्याओं का योग 16 है और दूसरा बोला गया है उनका अंतर क्या है, 8 है। योग मतलब प्लस और अंतर मतलब माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। माना कि एक संख्या x है माना कि संख्या x और y है, संख्या x व y है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, तब प्रश्नानुसार, ठीक है, दो संख्याओं का योग, उन दोनों संख्याओं जो मान के चले उनका योग क्या है, 16 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 16, और दोनों का अंतर, उनका अंतर क्या है, 8 है। दैट मीन्स x माइनस वाई उन्हीं दोनों को घटाने पर अंतर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यह आपका समीकरण रूप हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा आंसर, समझ में आ गया। x प्लस वाई इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो रहा आपका समीकरण ये रूप, और इसी में और क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप लोग बना के देखिएगा, ठीक है। नहीं बनता है तो फिर पूछिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, कैसा क्वेश्चन दिया गया उसको देखते हैं। तो ये तो रहा आपका समीकरण के रूप में लिखना। अब समीकरण के रूप में लिख लिए तो उसको क्या करना है, आगे हल करना है, है ना। तो अब समीकरण को किस तरीके से हल किया जाता है, समीकरण का हल कैसे होता है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है, ठीक है। तो आपकी बुक में दिया गया है दो विधि दिया गया है। दो विधि कहने का मतलब क्या है, एक ग्राफिकल मेथड दिया गया है और एक एल्जेब्राइक रूप से बताया गया है, ठीक है। ग्राफीय रूप से कैसे हम बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड से कैसे बनाएंगे समीकरण को, कैसे सॉल्व करेंगे, और दूसरा है एल्जेब्राइक मेथड, दैट मीन्स बीजीय रूप से, ठीक है। तो ग्राफीय रूप में आपका आ जाएगा आलेख विधि, ठीक है, जैसे ग्राफ आप लोग बनाए हो, और आपका एल्जेब्राइक में आ जाएगा, बीजीय रूप में आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। बस दो विधियां दिया गया है इसमें, ठीक है। तो समीकरण को हल करने की दो मेथड होंगे, पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा बीजीय रूप, ठीक है। तो ग्राफिकल में आ जाएगा आपका आलेखी विधि और बीजीय रूप में आ जाएगा दो, बीजीय रूप के अंतर्गत आ जाएगा दो, प्रतिस्थापन और विलोपन, ठीक है। समीकरण हल करने की विधि है, ठीक है। समीकरण हल करने की विधियां ग्राफीय रूप से कर सकते हैं और दूसरा है बीजीय रूप, ठीक है। और ग्राफीय में आ जाएगा आपका आलेखी विधि, इसमें आ जाएगा आपका प्रतिस्थापन और है आपका विलोपन। ठीक, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, और इसमें पढ़ेंगे ग्राफीय रूप में आलेख विधि, ठीक है। तो चलते हैं, पहले आलेख विधि से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ग्राफीय रूप, ठीक है। ग्राफीय विधि कैसे बनाया जाता है ग्राफीय विधि में, ठीक है।
पहला मेथड क्या था समीकरण हल करने का हमारा, आलेखी विधि या फिर ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे ग्राफिकल मेथड में इसको समीकरण को हल किया जाता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कक्षा दसवीं के, ध्यान से सुनिएगा, कक्षा दसवीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया और क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, तब लड़के और लड़कियों की संख्या क्या रही होगी, ठीक है। कक्षा दसवीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया, ठीक है, और क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा थी, ठीक है, तब लड़के और लड़कियों की संख्या क्या रही होगी। तो देखिए इस प्रश्न के आधार पे हम इसका गणितीय रूप कर सकते हैं, है कि नहीं। अब इसके थोड़े अभी पहले देखिए, इसके पहले हमने कि समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, तो इसको सबसे पहले हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, फिर उन दोनों समीकरणों को लेकर के हम एक क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, क्या बोला गया है उसका समीकरण रूप लिख लेते हैं, सॉल्यूशन है इसका। माना कि देखो विद्यार्थियों की संख्या बोला गया है ना, तो विद्यार्थियों में दो टाइप्स के आ जाएंगे, एक लड़की और एक लड़का, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लड़कियों की संख्या को एक्स ले लेते हैं और लड़कों की संख्या को वाई ले लेते हैं, ठीक है। माना कि लड़कियों की संख्या क्या है, एक मिनट, माना कि क्विज में भाग लेने वाले लड़का लो या लड़की लो जो भी है, ठीक है, एक को एक्स लेना है और एक दूसरा को वाई लेना है। माना कि क्विज में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या एक्स है, ठीक, और लड़कियों की संख्या व लड़कियों की संख्या वाई है, तब प्रश्नानुसार, ठीक है, तब प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं क्या बोला गया है, कितने विद्यार्थी हैं टोटल 10 विद्यार्थी, ठीक है, कौन से कक्षा दसवीं, तो विद्यार्थियों की संख्या 10 है, दैट मीन्स विद्यार्थियों मतलब लड़का भी है और लड़की भी है, तो दोनों का टोटल कितना है 10 है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा बोला गया है क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या को हम क्या लिए हैं, वाई लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, दैट मीन्स वाई क्या मिलेगा हमें, एक्स प्लस 2 मिलेगा, तो ये हो गया आपका वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है इतना। अब चलते हैं पहला समीकरण को लेके उसका एक्स, हाँ, जब एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तब वाई की वैल्यू मिलते जाएगी, और दूसरा में भी वैसे करेंगे, जब एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे दैट मीन्स वाई की वैल्यू मिलते जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते जाते हैं, इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। मान के चले हैं, माना कि क्विज में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या एक्स है और लड़कियों की संख्या वाई है, तब हम उसको गणितीय रूप में इस तरीके से लिख लिए। अब चलते हैं, अब समीकरण एक में, ये में है ना, समीकरण एक में एक्स की वैल्यू हम रखते जाएंगे, कहां से रखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 से रखते जाते हैं, है ना, 0 1 2 3, ठीक,
4 तक ले लेते हैं, 4 ऐसे रखते जाएंगे तब y की वैल्यू, y का मान निम्न प्राप्त होगा। टेबल 1 में दर्शाया गया है ना, तब y का मान तो x और y हो गया। x क्या है आपका समीकरण क्या है, पहला समीकरण x प्लस वाई है, x की वैल्यू यदि हम 0 रख दिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, इसमें x के जगह में 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, यहां से ये तो 0 हो गया, y बराबर क्या मिल गया 10। x के जगह में यदि 1 रखेंगे तब y का मान क्या मिलेगा, x बराबर 1 तब y का मान 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या मिलेगा, हाँ एक मिनट, x बराबर 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 9। y की वैल्यू क्या मिल गई 1 के लिए 9। उसी तरीके से x के जगह में क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बताते जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। x प्लस y इक्वल टू क्या है 10 है, x बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, 2 रखेंगे x के जगह में तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस y इक्वल टू 10, और इसको और बना सकते हैं y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा दैट मीन्स माइनस में आ जाएगी इधर जाके, है ना, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा और 10 माइनस 2 करने पे क्या मिल जाएगा, वाई की वैल्यू 8 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8। एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी इसी तरीके से 7। एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगा 6, 6 4 10, यहां से भी देख सकते हो दोनों को जोड़ने पर ये टोटल आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला टेबल। ये रहा अब इसी तरह, ये तो हो गया आपको पहला टेबल, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब यहाँ से x की वैल्यू रखे तो y का मान निम्न प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरे इक्वेशन पे, ठीक है। समीकरण 2 में x बराबर 2, और हाँ समीकरण 2 में क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की वैल्यू भी मिलते जाएगी, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देती हूँ, है ना, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ। अब समीकरण 2 में x बराबर 0, 1, 2, 3, 4 आदि रखने पर y का मान निम्न होगा, ठीक है। पहला टेबल बना लिए, दूसरा बन गई है, ये हो गया आपका एक्स वाई 0, 1, 2, 3, 4, ये एक्स ये वाई 0, एक्स के जगह में 0 रखेंगे। समीकरण क्या है दूसरा देखिए, यहां पे लिखती हूँ वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 है ना, तो एक्स के जगह में हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2। x के जगह में 1 रखेंगे तो y की x के वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू भी अलग अलग मिलते जाएगी, है कि नहीं। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे सॉरी 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू जो रख रहे हैं उसको लिखना है और यहाँ पे जो y की वैल्यू मिलेगी उसको रखना है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4, इसी तरीके से x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, 2, 5, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 और 2, 6, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको x और जो समीकरण बना है उसके अकॉर्डिंग 1 का वैल्यू हमें पता है तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपको समीकरण रूप में लिखा गया, समीकरण रूप के अकॉर्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब इसको लेके चलते हैं, हमारा बोला गया है ग्राफिकल मेथड या आलेखीय विधि। अब आलेख में इसको कैसे शो करते हैं, कैसे दिखाते हैं, उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए
यहाँ पे मैं छोटा सा ग्राफ बना लेती हूँ, जगह कम है तो आप लोग बना लीजिएगा बड़ा सा, है ना। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होगा आपका, इसको ले लेते हैं हम जीरो, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, चूंकि हम यहाँ पे फोर तक ही लिए हैं तो फोर्थ पॉइंट ही लेते हैं, है ना। और यहाँ पे छह तक जाएगा तो इसको छह लेना है। ये हो गया आपका वन टू सॉरी जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव और ये रहा सिक्स आपका, ठीक है। तो अब लेके चलते हैं, पहला आपको लेके चलते हैं, पहला जो इक्वेशन था उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। जब एक्स की वैल्यू जीरो रखे तो वाई कितना मिला, दस मिला। एक्स की वैल्यू जीरो मतलब एक्स एक्सिस पे देखना है, एक्स क्या रहना चाहिए, जीरो, जीरो मतलब यहाँ पे, और वाई क्या मिलना चाहिए, दस मिलना चाहिए, है ना। तो चलिए दस के लिए और आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको आप और यहाँ तक ले आइएगा, मान लो ये दस है तो इस पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिए, यहां से मैं बता देती हूँ इसको। ये और मेरा लाइन यहाँ से है, ठीक है। तो ये मान लो आपका ये सिक्स है तो ये सेवन एट नाइन और ये रहा आपका टेन, ठीक है। चलिए एक मिनट, इस टेबल को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पे जो लिखा था उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, फिर जगह कम थी तो, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो रहा आपका नंबरिंग कर दी। अब देखिए जब x की वैल्यू, पहला इक्वेशन को देखिए ना, पहला जो टेबल बना है उसको देखिए, टेबल फर्स्ट से x की वैल्यू जीरो मतलब x एक्सिस पे ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ठीक है। तो x की वैल्यू जीरो मतलब ये x है, x के लाइन में देखना है जीरो, y क्या मिला है तब दस, यहाँ पे डॉट कर देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, जब x की वैल्यू क्या है वन है तब y क्या मिला है नाइन, सेकेंड डॉट, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये नाइन। जब x की वैल्यू टू रखे तो y क्या मिला हमें एट, इसके सीध में डालना है और कितना मिला है उसको डालना है, ठीक है। जितना नंबर का ले रहे हैं, x की वैल्यू जितना ले रहे हैं उसके सीध में मिलाएंगे और जितना मिल रहा है उसको वहां पे डालेंगे, ठीक है। जैसे कि x की वैल्यू तीन रखे तो y क्या मिला हमें सेवन मिला, तो यहां से जाएंगे यहाँ पे डॉट कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू फोर रखे तो y क्या मिला सिक्स मिला, ये हो गया आपका। और हाँ, x की वैल्यू फोर तक ही लिए है तो मैं फोर तक ही करती हूँ, आप और भी देख सकते हो, ठीक है, इतना में मिल जाएगा तो हम यहीं तक करते हैं। इसी तरीके से दूसरा टेबल, हाँ इसको पहले एक लाइन में मिला देते हैं, ठीक है, ये ऐसे बन गया आपका, है कि नहीं। अब देखिए दूसरा ले लेते हैं, ये कौन से समीकरण के लिए है, एक्स प्लस वाई बराबर दस, इसके लिए है, ठीक। अब देखिए दूसरा पे देखेंगे तो दूसरा क्या है आपका, दूसरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा समीकरण का टेबल देखिए, ठीक है, क्या क्या है उसको देख लीजिए। जब x की वैल्यू जीरो रखे तो y क्या मिला हमें दो मिला, x की वैल्यू जीरो पे y दो मिल गया। जब x की वैल्यू वन रखे तो y कितना मिला तीन मिला, तो ये हो गया वन रखे तो तीन मिल गया, जब दो रखे तो चार मिला, ये भी हो गया, तीन रखे तो सात मिला, हाँ तीन रखे तो पांच मिला, ठीक है, ये रहा आपका तीन, और चार रखे तो कितना मिला छह मिला, दैट मीन्स ये यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इस लाइन को भी हम बढ़ा देंगे तो आपका ये बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया कौन से समीकरण के लिए था, ये एक्स प्लस सॉरी वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू के लिए हो गया। और इस रेखा को हम एल ले लेते हैं और एक को एम ले लेते हैं, ठीक है, एल और एम नाम रख दिए। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये कौन सा पॉइंट के लिए था, जब x की वैल्यू वन और y की वैल्यू थ्री, ये x की वैल्यू टू y की वैल्यू
4, ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ठीक है। और ये कौन कौन से के लिए था, जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, है ना। और ये है आपका x की वैल्यू, ये पॉइंट किसके लिए है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 के लिए। देखो दोनों में आ रहा है, ये आपका 4 और 6 दोनों के लिए आ गया है ना। तो आपका हाँ इतना तक हो गया आपका, है ना। अब देखना है कि इस समीकरण का हल क्या होगा, ठीक है, हल क्या है या कितना हल आया है, कितना मान मिला है। तो देखिए जहां पे ये दोनों लाइन L और M किस बिंदु पे कट रही हैं, 4 और 6 पॉइंट पे, है ना, 6 और 4 पे कट रहा है, एक दूसरे लाइन को काट रही हैं। तो जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी, वही कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु, उसी को प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है, वही प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण का हल होगा, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट के लिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है, तो वो क्रॉस पॉइंट या कटान बिंदु ही, परिच्छेद बिंदु ही, बिंदु का मान ही उस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल होगा, समीकरण का मान होगा। तो इस तरीके से हम ले लिए, यहां पे मैं लिख देती हूं ग्राफ आलेख में L व M दो रेखाएं हैं, ठीक है, रेखाएं हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे काट रही हैं, एक दूसरे को 4 और 6 पर परिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, 4 व 6 पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है या काट रही है, और वही प्रतिच्छेद बिंदु उस समीकरण का हल होगा, तथा वही प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण का, ये समीकरण है ना, समीकरण का हल होगा, हो गया इतना। तो वही प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं आंसर में क्या आएगा, क्या क्या है, 4 और 6 पॉइंट पे, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिल गया, 4 और 6। तो यहाँ पे हम x और y लिखते हैं, है ना, तो x की वैल्यू क्या मिल गया, x बराबर 4 और y बराबर 6, ये आपका उस समीकरण का हल होगा। समझ में आ गया, x y, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 4 मिल गई, y की वैल्यू 6 मिल गई, और यही इस इन दोनों समीकरणों का हल है। समझ में आ गया, तो देखिए यहां से हम स्टार्ट किए, फिर आपका दूसरा टेबल यहाँ पे बना है, फिर इसके बाद ये ग्राफ है, ग्राफ बनाने के बाद आपका ये थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी के बाद आपका वो आंसर। समझ में आ गया।